गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, आरएमएस सीटी 2023 का रिजल्ट हाल ही में डिक्लेयर हुआ है एंड लक्ष्य एकेडमी से 62 प्लस स्टूडेंट का इंटरव्यू कॉल है। एंड इसी सीरीज में आज हम आपको मिलाएंगे राघव दीक्षित से। एंड राघव दीक्षित इंदौर एमपी के रहने वाले हैं एंड साथ में उनकी मम्मा है। तो सबसे पहले राघव, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड बेटे, सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देना। एंड मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, राघव दीक्षित है सिविलियन प्लस ओबीसी कैटेगरी से आरएमएस सीटी 2023 एग्जाम क्लियर किया है। एंड ये इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने क्लियर किया है। एंड राघव दीक्षित जो है अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। यस बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल माई नेम इज राघव दीक्षित एंड आई बिलोंग्स टू इंदौर मध्य प्रदेश। माई फादर्स नेम इज देवेंद्र दीक्षित, माई मदर्स नेम इज किरण दीक्षित एंड आई जॉइन लक्ष्य अकेडमी इन फेब्रुअरी 2022 एंड दैट्स ऑल अबाउट मी। ओके, तो बेटे अभी आपने आरएमएस सीटी 2020 एग्जाम क्लियर किया, तो आपका इंटरव्यू कॉल कौन से मिलिट्री स्कूल में बेटे? सर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर। एंड बेटे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 19 अप्रैल 2013। मीन्स आपका एक और अटेम्प्ट है। yes, sir. तो आपको कभी ऐसा लगा कि मेरे पास अभी एक और अटेम्प्ट है तो मैं थोड़ा मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट की ओर, आप ऐसा कभी माइंड डाइवर्ट हुआ आपका? नो सर, मैंने हमेशा चाहे कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आरएमएस क्लियर करूं। तो ठीक है बेटे, देखो इतना छोटा बच्चा है तो आपको भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, इसी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करूंगी। बहुत से बच्चे सोचते हैं मेरे पास एक और अटेम्प्ट है अभी आगे देखेंगे। बेटे ऐसे नहीं, आगे नहीं देखना, आपको पहले देखना है कि ये मेरा फर्स्ट फर्स्ट एंड फाइनल यही, ठीक है? तो कुल मिला के आएगी आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है? एंड इसके अलावा बेटे आपने अभी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम दिया बेटे? नो सर, नहीं दिए। ओके, तो क्यों नहीं दिया बेटे आपने? सर, क्योंकि मेरा ऑलवेज ड्रीम था कि मैं मिलिट्री स्कूल और आरएएमसी मेरा ड्रीम है बस। वेरी गुड, वेरी बहुत बढ़िया बेटे। देखो, सैनिक का फॉर्म भी फिलअप नहीं किया। ओके बेटे, देखो इस टाइप का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इनको खुद को खुद पे इतना बिलीव था कि मैं आरएमएस एग्जाम निकाल लूंगा एंड उसी मतलब कॉन्फिडेंस का इन्होंने सैनिक स्कूल का फॉर्म फिलअप नहीं किया। एंड अभी आप मतलब आरएमसी का भी देना चाहते हो? यस सर। ओके, तो अभी आरएमसी की प्रिपरेशन करें कंटिन्यू, और फर्स्ट अटेम्प्ट इन्होंने मिलिट्री स्कूल क्रैक किया है, 100% है। अगर यही कॉन्फिडेंस रहा एंड कंटिन्यू अगर इसी मेहनत से अगर ये प्रिपरेशन करते तो 100% है ये आरएमसी भी इजिली क्लियर कर लेंगे। एंड बेटे आप ये बताइए, आपका सैनिक स्कूल में स्कोर क्या बना था बेटे? सर दिया ही नहीं था। सॉरी, मिलिट्री स्कूल का, मिलिट्री का स्कोर क्या बना था? 741। इनका स्कोर बन रहा था सिविलियन प्लस ओबीसी कैटेगरी से ना। हाँ। सिविलियन प्लस ओबीसी कैटेगरी से 141 आउट ऑफ 115 का स्कोर बन रहा था। तो बेटे आप कुछ कहना चाहोगे बच्चों को? मेहनत करो तभी सिलेक्शन होगा बस। मीन्स मेहनत करो तब सब कुछ पॉसिबल है। तो जो इनकी मम्मा है, तो मैम आप कुछ कहना चाहोगे? आपको कैसे पता चला लक्ष्य एकेडमी के बारे में एंड आपने कब ज्वाइन करवाया, क्या है जो भी है? हम अभी 2 साल पहले हमें पता चला कि यूट्यूब पे पता चला कि मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के एग्जाम होते हैं, तो फिर हमने पता किया। तो यहाँ जयपुर आए हम लोग, तो हमें दूसरी एकेडमी का पता चला, तो वहाँ पर हमने छोड़ा इसको, 5-6 महीने प्रिपरेशन की पर इसका कुछ दिखा नहीं कि ये कुछ कर सकता है। तो फिर हमने पता किया जयपुर में और एकेडमी है, तो फिर आपकी लक्ष्य एकेडमी का हमें पता चला। तो फिर हम लोग आए, मेरे हस्बैंड और हम लोग एमपी से वैसे शिफ्ट हो गए थे जयपुर, तो फिर हम लोगों ने पता किया, फिर जयपुर आए, फिर हमने लक्ष्य एकेडमी में हमारे बच्चे का एडमिशन कराया, फिर यहाँ पर उसका प्रोग्रेस दिखा और ये आज रिजल्ट भी है सामने। और लक्ष्य एकेडमी फैमिली को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ, थैंक यू सबको कि आज मेरा बेटा उन्हीं के कारण ये आरएमएस क्लियर कर पाया, थैंक यू सर। ओके, तो मैम कभी आपको ऐसा लगा कि जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि ओनली डिफेंस वालों का मिलिट्री स्कूल में होता है, तो आपका बच्चा सिविलियन कैटेगरी से, तो आपको कभी ऐसा लगा? नहीं सर, हमें ऐसा बोलते थे पर हमें ये बच्चे पे था कि बेटा आप पढ़ाई करो, मेहनत करो, तो सर मोहित सर बोलते हैं कि निकल जाएगा, तो हम उससे बस यही बोलते हैं कि अपन सिविलियन है तो कोई बात नहीं, पर मेहनत करोगे तो निकल जाओगे। ओके ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू राघव।